हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, अन अकेडमी ऐप और यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 27 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अन अकेडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय समाचारों की। इस बार का जो राष्ट्रीय समाचार हम दे रहे हैं, आज का हमारा वीडियो वन लाइनर वीडियो है, तो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिलेंगे। पहला है, इस राज्य सरकार ने बाघों की रक्षा के लिए राज्य बाघ संरक्षण बल का गठन किया, तो उसका उत्तर है तेलंगाना है। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा के बाद इस पुरस्कार से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक 48 लोगों को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हुए, तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में शामिल हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। इस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चयनित किया गया, तो सही उत्तर है स्वीडिश के प्रधानमंत्री को। इस अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी ने शिक्षकों के लिए भारत की पहली पॉलिसी हैक लॉन्च की, तो डेल कंपनी ने। नेक्स्ट है बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचार। आरबीआई ने इस बैंक के सीईओ के रूप में वी वैद्यनाथन की नियुक्ति की मंजूरी दी, तो सही उत्तर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत इस देश से आगे निकल सकता है, तो भारत किससे आगे निकल सकता है? यूके से। तो सही उत्तर है यूके से भारत देश आगे निकल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं खेल समाचार की। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन इस देश में किया गया, तो किस में किया गया टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन? नीदरलैंड में। नेक्स्ट आइए बात करते हैं व्यक्ति विशेष की। तो व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो जनवरी 2019 में इंडिगो ने नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो सही उत्तर है रोनोजाय दत्ता को। जनवरी 2019 में पुलित्जर पुरस्कार विजेता समीक्षक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो सही उत्तर है रसेल बेकर। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली लेखक का जनवरी 2019 में निधन हो गया, कौन था? अतिन बंदोपाध्याय। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार इस वर्ष शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1957 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से पहले में से सबसे पहले इस 14 वर्षीय को सम्मानित किया गया, तो हरिश्चंद्र मेहरा जो कि 14 वर्ष के बालक थे उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।